महिंद्रा XUV 3XO दूसरा ऑफिशियल टीजर आ गया है और हमारी ड्यूटी, हमारा फर्ज बनता है सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करना। तो वीडियो के एंड तक जरूर देख लेना, बिकॉज कुछ बड़े बड़े रिवील्स हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए, कुछ नए फीचर्स के बारे में पता लगा है वो भी आपको पता होने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और आज का हमारा टॉपिक है द महिंद्रा XUV 3XO। अब ये वही गाड़ी है, 300 ही है, 300 ही है जिसका फेसलिफ्ट वर्जन आ रहा है, और ये माइनर फेसलिफ्ट तो पक्का नहीं है, ये है डिटेल्ड नया अपडेटेड, इसको नई गाड़ी ही कंसीडर करो, तभी तो कंपनी ने नाम भी बदल दिया। दिस इज़ द 3XO। बहुत सारे नए चेंजेस हैं सिवाय इंजन के और डायमेंशंस के, उसके अलावा सब कुछ बदल गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको पहले ऐसा करो, आप टीज़र नंबर 1 देखो, फिर टीज़र नंबर 2 देखो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। Mahindra XUV 3XO. The Mahindra XUV 3XO. अब टीज़र नंबर 1 की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर आपको ये तो पता लग गया कि गाड़ी का नाम बदला गया है, LED DRLs बदल दिए, LED टेल लैंप्स बदल दिए, लेकिन टीज़र 2 में ज़्यादा डिटेल सामने आई, जहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, ये सब कंफर्म हो गया है, और नए लुक्स तो ऑब्वियसली हैं ही। लेकिन अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ें कन्फर्म है और क्या चीज़ें स्पेकुलेटेड हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, कंपनी अभी भी इसको सब 4 मीटर में रखेगी, विड्थ हाइट वगैरह कोई चेंज नहीं, कोई एक आधे mm का फ़र्क आ जाए कॉस्मेटिक डिज़ाइंस की वजह से, क्योंकि बम्पर कम्प्लीटली चेंज कर दिए गए तो बात अलग है, लेकिन मेजर डिज़ाइन डिफरेंस या डायमेंशन डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। डिज़ाइन में ही अगर देखेंगे तो ग्रिल है काफ़ी हद तक क्लोज रखी गई है, BE सीरीज़ जो इनकी बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल सीरीज़ आती है महिंद्रा की, उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होने वाली गाड़ी, जहाँ पर आपको LED DRLs मिलेंगे सी शेप, बड़े LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलेंगे आपको, और साथ में काफ़ी चंकीर लाइट सेटअप पूरा देखने को मिलता है। अब लाइट सेटअप टू बी वेरी ऑनेस्ट, फोटोज वीडियोज़ में ओकेश लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अगर हम इसके LED DRL देखें, ग्रिल देखें, नए अलॉय व्हील्स देखें, ओवरऑल गाड़ी का वैसे हम रोड प्रेजेंस आज भी देखते हैं, तब भी हमें पता लग जाता है कि भाई गाड़ी में ज़बरदस्त लुक्स तो हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन जो इसका हेडलैम्प सेटअप है कंप्लीट, वो अभी मेरे को वीडियोस में तो ओकेश लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बता दो, बाकी जब रियल लाइफ में देखेंगे 29th of April को डिटेल वीडियो इसकी आ जाएगी, तो आप उसको भी देखना ज़रूर, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, तो हम आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। तो एनीवेज द पॉइंट इज़ कि ये वाली अगर हम 3XO की बात करें तो LED डिज़ाइंस ओकेश लग रहा है, आप अपना ओपिनियन बता दो। फ्रंट लुक में ऑब्वियसली नया महिंद्रा का लोगो होगा, साइड्स में देखेंगे तो आपको अलॉय व्हील्स जो हैं वो मिल जाते हैं, नए ड्यूल लेयर्ड हैं, ड्यूल टोन राइड ट्रीटमेंट के साथ आएंगे, और अगर हम साइड क्लैडिंग क्रीजेस देखेंगे तो एग्जिस्टिंग जैसी ही हैं, तो अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगने वाली है रियर में अगर बात करें। और साइड में एक और चीज़ कहूँ तो रूफ रेल्स का नया डिज़ाइन ना, नर्लिंग वाला बहुत सही लग रहा है, अभी तक हमने किसी गाड़ी में ऐसे देखे नहीं है। XUV 3XO में कुछ डिफरेंट हो जाएगा ये बात तो कन्फर्म है, एक ABC प्लस जिस तरीके से ब्लैक्ड आउट किया गया, बहुत ही अच्छा फ्लोटिंग रूफ का डिज़ाइन आ रहा है। रियर साइड देखेंगे तो LED कनेक्टेड आपको जो DRL टेल लैंप्स जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन अब एक एनहांस्ड लुक, जो कि 2023 हो चाहे 2024 हो, अब इन गाड़ियों में ना लेटेस्ट लुक्स आ गया, तो उसकी वजह से वो एनहांस हो गया। रिवर्स कैमरा जो है वो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, टेल लैंप्स अच्छे से नज़र आ रहे हैं, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई स्टॉप लैंप, स्पॉयलर, शार्क फिन एंटीना, सब बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आपको देखने को मिलेगा। रियर का कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं जो इसकी मेजर हाईलाइट होने वाली हैं, एटलीस्ट लुक्स के वाइज, रोड प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन हम दरवाजे खोल के नहीं जाएंगे, हम ऊपर से जाएंगे जैसे कंपनी ने दिखाया, तो पैनारोमिक सनरूफ, जो कि इस सेगमेंट की इकलौती गाड़ी होगी जिसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलेगी, सेगमेंट फर्स्ट हो जाएगी, वो मिल रही है, और उसमें सॉरी गॉड ब्लेस मी पैनारोमिक सनरूफ जो है वो आपको मिल रही है। तो उसमें सबसे चीज़ पता क्या लगी मुझे कि लाइट्स भी हैं, डोर जो ग्रैब हैंडल्स ऊपर दी उसके साथ, और सनरूफ काफ़ी पीछे तक जा रही है, तो जो थर्ड रो सेकेंड रो में पीछे बैठने वाले लोग होंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर्सन, वो भी सनरूफ का व्यू पूरा पूरा एंजॉय कर पाएंगे।
और विड्थ भी सनरूफ की काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी के डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम की एक पैनोरामिक सनरूफ दे दी, उन्होंने एक्चुअल में पैनोरामिक व्यू वाली सनरूफ कंपनी आपको दे रही है। वो भी कमाल ये हो रहा है कि इस सेगमेंट में पहली बार आपको ये मिलेगी, किसी भी गाड़ी में नहीं आती। और चलते अंदर एक नई अपडेट क्या पता लगा कि 10 इंचेस की जो स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। फ्लोटिंग फ्री स्टैंडिंग स्क्रीन है जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ तो आएंगे आएंगे। आपको यहाँ पर महिंद्रा के कनेक्टेड फीचर्स यानी कि एड्रेनो एक्स का सपोर्ट, अलेक्सा का सपोर्ट, यूआई अपडेट्स और ओवर द ईयर अपडेट्स फॉर मैप, इनबिल्ट नेविगेशन, ये सारे फीचर्स आपको स्क्रीन में मिलेंगे कन्फर्म्ड है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से कन्फर्म है। वेंटिलेटेड सीट्स हैं जैसे कन्फर्म्ड है। प्रीमियम स्पीकर्स आपको मिलेंगे क्योंकि टीजर वन में आपने स्पीकर पे हाईलाइट होते नजर आया होगा, आपको देखा होगा कि उन्होंने कुछ दिखाया तो है। अब वो किसी ब्रांड के साथ जा रहे हैं या वैसे 8 स्पीकर सिस्टम लेकर आ रहे हैं, सबवूफर अलग से लेकर आ रहे हैं, वो बात अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, कन्फर्म नहीं है। बट हाँ, स्पीकर में इंप्रूवमेंट्स हैं ये बात तो कन्फर्म्ड हो गई क्योंकि स्पीकर को दिखाया गया अच्छे से। ओके, बड़े आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो कि अभी 100% कन्फर्म कंपनी की तरफ से नहीं, बट हमें पता है कि आएंगे। एक तो आपको नई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगी, अभी AMT की ऑप्शन आती है, बाद में टॉक कन्वर्टर मिलेगा, दैट्स अ गुड थिंग। 1.2 लीटर के दो पेट्रोल इंजन होंगे, 1.5 लीटर का एक डीजल इंजन होगा, सारे ही टर्बोचार्ज होंगे, सारे ही कमाल की पावर और टॉक जनरेट करते हैं। जो नया इनका एम स्टैलियन टर्बो GDI इंजन है जिसको हम XUV300 टर्बो स्पोर्ट के वेरियंट में भी जानते हैं, वो तो कमाल है चलाने में। एंड आई एम सुपर ग्लैड कि जो इंटीरियर है उसे बेज रखा गया ना कि ब्लैक, तो बेज ट्रीटमेंट ना और भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। देखो आप समझ आ रहा है कि हाँ भाई, यहाँ पर तीनों हेडरेस्ट भी मिल रहे हैं, प्रॉपर आर्मरेस्ट भी स्टोरेज है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं। अब जो फीचर्स कन्फर्म्ड नहीं है बट पता है वो आएंगे, वायरलेस चार्जर होगा, डिजिटल क्लस्टर है 10.25 इंच जो कि हम XUV400 में देखते हैं, वैसे ही आपको कंप्लीट क्लस्टर मिलेगा। इनबिल्ट नेविगेशन वहाँ पर भी आएगी। हेड्स अप डिस्प्ले एक ऐसा फीचर है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट मेरे हिसाब से नहीं आएगा। उसके अलावा जो हमने स्पाइड इमेजेस में देखा है वो है 360 डिग्री कैमरा, ADAS फीचर्स, तो कंपनी ने कंफर्म नहीं किया लेकिन हमने तो स्पाइड इमेजेस फोटोज देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, तो उससे आइडिया हो गया कि ADAS के फंक्शंस भी इसमें होंगे। रेडार बेस्ड है तो इसका मतलब लेवल 2 होंगे, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन की बसेस, लेन डिपार्चर हुए, तो ये भी सेगमेंट्स फर्स्ट हो जाएगा। बिकॉज अभी तक जो ADAS फीचर्स आते हैं वो सिर्फ कैमरा बेस्ड आते हैं, लेकिन XUV300 या 3XO जो अब इसका नाम है वो इस सेगमेंट की पहली गाड़ी हो जाएगी जिसमें आपको ADAS के फीचर्स रेडार बेस्ड मिलेंगे जो कि ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू कैमरा बेस्ड ADAS फीचर्स। 360 डिग्री कैमरा डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे क्योंकि एक बड़ी गाड़ी में कंसिडर किया जाता है इसको, दिखने में ऐसे लगती है कि इसके अपर सेगमेंट का कंपटीशन है जैसे क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा। ऑब्वियसली सब 4 मीटर में आती है बट दिखने में सही लगती है, साइज़ अच्छा लगता है, मस्कुलर लगती है। मैं पर्सनली खुद एक XUV300 ओन करता हूँ तो मुझे पता है कि यार वो गाड़ी तो ज़बरदस्त है, स्पेस बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है। अब एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, स्पेस। लोग कह रहे हैं कि यार बूट स्पेस थोड़ी सी बढ़ जाए, मैं खुद चाहता हूँ बूट स्पेस बढ़े। कंपनी ने उसको कितना सीरियसली लिया है, क्या उसमें इंक्रीमेंट आएगा ये तो टाइम ही बताएगा, बट क्योंकि डायमेंशनल चेंज कोई नहीं है तो व्हील बेस में भी कोई चेंज नहीं है। व्हील बेस में चेंज नहीं है तो बूट स्पेस भी कोई मैसिवली इंक्रीज नहीं होगी। अगर कंपनी ने इंप्रूवमेंट की भी तो अभी तो 260 लीटर के आसपास की बूट जो कि बहुत ही कम है, तो अगर इंप्रूवमेंट की भी तो कितनी इंप्रूवमेंट कर लेंगे, 300 लीटर तक। और अगर 350 तक भी इसको खींच गए किस तरीके से कंपनी तो मज़ा आ जाएगा। बूट स्पेस ज़्यादा होगी ना तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि इस गाड़ी में अभी 2 चीज़ों की कमी है, रेयर एसी वेंट्स और बूट स्पेस। रेयर एसी वेंट्स आ जाने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज XUV400 में आते हैं, लेकिन बूट स्पेस कैसे इंक्रीज़ करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। XUV400 में बूट स्पेस इसलिए ज़्यादा है बिकॉज उस गाड़ी की लेंथ ही ज़्यादा हो जाती है, व्हील बेस वही है। तो ये थोड़ा सा अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि यार हमें पता लग जाए बूट स्पेस के बारे में ना, तो एक गाड़ी इस सेगमेंट की बेस्ट कार हो जाएगी अनडाउटेडली। नहीं तो बूट स्पेस ना हो तो बेस्ट नहीं कह सकते बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाड़ी हो जाती है XUV 3XO। अब महिंद्रा XUV 3XO 29 अप्रैल को लॉन्च है, हम आपके लिए डिटेल वॉक अराउंड वीडियो और ड्राइव रिव्यू दोनों ले आएंगे बिकॉज इंजन इसके चलाने में ज़बरदस्त है और टॉक कन्वर्टर तो हमने टेस्ट करना ही करना है। प्राइसिंग की यहाँ पर बात करें तो डेफिनेटली बेस प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं, यानी कि 8 लाख से शुरू होगी, लेकिन 8 लाख में अगर आपको एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल रहा है जो कि जस्ट अमेजिंग पावर जनरेट करके देता है ना, तो वो तो हर किसी को पसंद आते हैं। बाकियों की तरह नहीं है कि 8 लाख प्राइस भी रख दी और नेचुरल रेस्पिरेटेड इंजन दे दिया, तो XUV में ये यानी कि XUV 3XO में ये चीज़ आपको अच्छी मिलेगी कि बेस वेरिएंट होगा, प्राइस भी ज़्यादा नहीं होगा लेकिन 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आएगा, तो उस वजह से प्राइस बेस की तो सही रहेगी। टॉप ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाएगा यार, ADAS लेवल 2 है, 360 डिग्री कैमरा है, पैनोरामिक मैसिव सनरूफ है, टॉक कन्वर्टर जैसी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो डेफिनेटली थोड़ी सी प्राइजी तो होगी गाड़ी लेकिन वर्थ होगी, ये बात कन्फर्म।
उसके अलावा बात करूँ सेफ्टी, फाइव स्टार सेफ्टी रेटेड ऑलरेडी ये गाड़ी है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी आपको आपकी पूरी फैमिली को सेफ रखने के लिए कारगर है और सही रहती है। अब देखना ये होगा कि कंपनी अपने रैटलिंग नॉइसेस की प्रॉब्लम पे भी काम करती है या नहीं करती, क्योंकि थोड़ी सी तो महिंद्रा की कार में रैटलिंग नॉइसेस कुछ टाइम बाद आ जाती है, वो मुझे लगता नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक होने वाली नहीं कुछ देर तो नहीं, जब तक कम्प्लीटली कुछ नहीं आना है, ये तो एक फेसलिफ्ट मॉडल है ना, तो इतना ज़्यादा हम इससे एक्सपेक्ट करने दें। हाँ बी ई सीरीज़ इलेक्ट्रिक वाली आएगी, हो सकता है उसमें प्रीमियमनेस ऐड हो तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको रैटलिंग नॉइसेस कम मिले इवन आफ्टर 50,000-60,000 किलोमीटर्स। सो दिस वॉज द महिंद्रा 3XO, XUV 3XO। कैसे लगा आपको नाम, कैसे लग रहे इसके नए फीचर्स, प्राइस के बारे में आपके सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर बता दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, फेसबुक भी देख लो तो फॉलो कर लो, बिकॉज हम आपके लिए इस तरह की लेटेस्ट कार न्यूज़, कार रिव्यूज़, कार कंपैरिजंस तो लेकर आते ही हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं ऐसे इंटरनेशनल बैंकॉक जैसी जगह पर आके भी आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स की वीडियोज़ लेके आते हैं जो कि इंडियन मार्केट में आने वाली है, तो इस बात पर एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग 3XO, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइज, बाय बाय।